Hello and good morning, friends. Today I am going to take the remaining part of second chapter of CMC, construction and tooling. Let us revise what we have done. Construction and tooling में हमने first part में we had studied कि हमें special design construction features क्यों चाहिए. We told that most of the time we are cutting, so that's why we need rigid body, rigid foundations and more cooling of CNC machines. So let us talk about the remaining part of the second chapter, construction and tooling. So we stopped where it was drive system. Drive system means how we drive the motors on axis. What was axis? Axis kya tha? Ki axis means ki ek linear major axis jahan pe hum motion lete hain usko hum axis kehte the. To kisi bhi axis pe chalane ke liye we need some drive system, and drive system consists of amplifier circuits, drive motors and ball bead screws like that. So what are amplifier circuits? Because CNC is made of some computer circuits or electronic circuits. So in computers we have very small voltage or small current circuits which give signal. छोटे छोटे signal वाले आते हैं computer से, एक signal आता है 5 volt का या 8 volt का signal आता है, तो वो signal जो होता है वो that is not sufficient to drive a motor for axis movement. तो उसके लिए एक amplifier circuit चाहिए होता है. देन एम्पलीफायर सर्किट से जो फाइनल सिग्नल जाता है वो एक ड्राइव मोटर होता है. ड्राइव मोटर डायरेक्टली टेबल को या क्रॉस लाइट को मूव नहीं कर सकती, सो वी नीड बॉल लीड स्क्रू. वी विल स्टडी इट लेटर ऑन. द एमसीयू फीड्स द कंट्रोल सिग्नल ऑफ ईच एक्सिस टू द एम्पलीफायर सर्किट. नाउ सी हेयर, यहाँ पे आपके पास जो ड्राइव मोटर आई है, ड्राइव मोटर के बाद एक कोई बीरिंग सपोर्ट आई है, कुछ लॉक नट है, और ड्राइव साइड से ये फ्लैंज बीरिंग तक पहुंचेगी बॉल स्क्रू स्पिंडल से, राइट. द कंट्रोल सिग्नल्स आर ऑगमेंटेड टू एक्चुएट द ड्राइव मोटर व्हिच इन टर्न रोटेट द बॉल लीड स्क्रू टू पोजीशन द मशीन टेबल. कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं, मैंने बताया 3 लेवल पे चलेंगे. कंट्रोल सिग्नल कंप्यूटर से चला, एम्पलीफाई हुआ, एम्पलीफाई के बाद वो ड्राइव मोटर में गया, ड्राइव मोटर के बाद वो बॉल लीड स्क्रू में, सो दैट मशीन टेबल को पोजीशन किया जा सके. ड्राइव सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइव सिस्टम इन सीएनसी मशीन. दो तरह के यूज हो सकते हैं, वन इज स्पिंडल ड्राइव एंड अदर इज फीड ड्राइव. स्पिंडल मीन्स रोटेशन. रोटेशन, अब रोटेशन में हमें क्या है कि रोटेशन हमें दो तरह से कंट्रोल करनी होती है. वन इज कि हम उसकी स्पीड को कंट्रोल करें, एंड समटाइम्स वी हैव टू कंट्रोल द रोटेशन इन स्टेप्स. तो दो तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. एक तो उसकी स्पीड कंट्रोल करनी कि 200 RPM पे चलाना है या 800 RPM पे, लाइक दैट. और एक उसको कंट्रोल करें कि भाई सिर्फ 20 degree एंगल पे चलना है या 100 degree एंगल पे. तो ये दो तरह की उसमें हम ड्राइव को कंट्रोल कर सकते हैं. स्पिंडल ड्राइव स्पिंडल हो गई, फीड ड्राइव मीन्स टूल को फीड करना, टूल को आउट करना, इन करना, लाइक दैट, एक्सिस पे उसकी मूवमेंट करना. Spindle drives provide the main spindle power for cutting. Two types of motor, as we all know ki DC motor aur AC motors hoti hain. Jo DC motors run on direct current electricity, it is used to control the speed by varying voltage infinitely. Sirf voltage ko control karenge to uski speed vary ho jati hai. AC motors were not very much popular, lekin kyunki these are cheap and now there are very much development in microprocessor. So aaj ki date mein AC motors are also used for positioning and rotation like in turn mill centers. Now feed drives agar hum baat kare to isme DC servo motor, DC brushless servo motor, AC servo motor, stepper motor and linear motors, ye sabhi use hoti hain. But mostly aap dekh payenge to servo motors the first one एंड स्टेपर मोटर यही यूज होती है और यही आपके सिलेबस में है. वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. डीसी सर्वो मोटर, सर्वो मोटर्स आर स्पेशल डीसी और एसी मोटर्स विच आर यूज फॉर, सर्वो मोटर की मैं बात कर रहा हूँ, सर्वो मोटर्स आर स्पेशल डीसी और एसी मोटर्स विच आर यूज फॉर स्पीड एंड मोशन कंट्रोल. मैंने बताया था दो चीजें हमने कंट्रोल करनी है, स्पीड एंड मोशन. स्पीड, स्पीड मीन्स तेजी,
एंड मोशन, मोशन मीन्स उसको कंट्रोल करना है विद सेंसर फीडबैक टू एमसीयू एप्लीकेशन। अब देखो मैंने बताया था, लेट अस स्टडी द सेकंड लाइन आल्सो। सर्वो मोटर्स आर सिमिलर टू डीसी मोटर, सेम होती हैं, कंस्ट्रक्शन भी सेम है, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, हमारी नॉर्मल मोटर्स में दो तारें बाहर आ रही होती हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज ग्राउंड, लेकिन यहाँ पे कुछ और वायर्स आ रही होती हैं, दैट दे हैव एक्स्ट्रा वायर्स कमिंग आउट टू पर्पस, कंट्रोल एंड फीडबैक। कंट्रोल मीन्स कंट्रोल सिग्नल देने के लिए, और फीडबैक लेने के लिए भी उसमें से वायर्स एक्स्ट्रा आ सकती हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर, सर्वो मोटर्स आर फॉर कंट्रोल एंड फीडबैक एप्लीकेशन, कंट्रोल करने के लिए और फीडबैक वापस लेने के लिए यूज होती हैं। दीज आर लाइट वेट लो एनर्जिया एमेचर आर्मेचर्स ऑफ डीसी सर्वो मोटर एंड दे रिस्पॉन्ड क्विकली टू एक्साइटेशन वोल्टेज चेंजेस। डीसी ब्रशलेस ये ज़्यादा यूज नहीं होती, लेकिन स्मॉल जहाँ पे एप्लीकेशन है वहाँ पे ये ब्रशलेस टेक्नोलॉजी, आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा तो उसको आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल आप इतना याद रखिए कि हमें सर्वो मोटर ही स्टडी करना है। एसी सर्वो मोटर, जैसे कि मैंने बताया कि आज की डेट में माइक्रोप्रोसेसर में पॉपुलर हो रही हैं, तो एसी सर्वो मोटर भी चल रही हैं। इसमें देखिए कि आपकी इनपुट हुआ, इनपुट एम्पलीफाई हुआ, सर्वो मोटर को गया, आउटपुट आया, और आउटपुट से वो फीडबैक लूप भी एरर डिटेक्शन भी ले सकता है। देन देयर इज स्टेपर मोटर, नाम भी बता रहा है, स्टेपर मोटर, इट रोटेट्स इन फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल्स इंक्रीमेंट। आपका जो रोटेशन है वो भी एक फिक्स्ड एंगुलर इंक्रीमेंट्स में मूव होता है। ज़्यादातर जो हमारी बहुत पॉपुलर होती हैं दे आर इन 200 स्टेप्स, तो दैट मीन्स अगर 360 डिग्री रोटेशन है तो 200 स्टेप्स में एक अगर उसका एक रोटेशन पूरा होता है, दैट मीन्स द एक्यूरेसी ऑफ वन स्टेप इज 360/200। आपकी बुक्स में भी होगा 360/200 इज 1.8 डिग्री एंगल। तो 1.8 डिग्री एंगल जो है वो उसकी एक एक्यूरेसी, दैट मीन्स अगर उसको एक पल्स मिलती है, एक सिग्नल मिलता है, देन इट रोटेट्स फॉर 1.8 डिग्री, दैट्स लाइक दैट। स्टेपर मोटर आर यूजली यूज्ड इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप में यूज होती हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी मच एक्यूरेट, तो इनको फीडबैक लेने की जरूरत नहीं होती। बट स्टिल देयर आर मोर बेनिफिट्स ऑफ स्टेपर मोटर, इट इज लो कॉस्ट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम में इसकी डायरेक्टली कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पे स्टेप एंगल देखिए, ये अगर 360 डिग्री है, नंबर ऑफ पोल्स अगर चार हैं तो उसके हिसाब से उसका स्टेप एंगल भी बन जाता है। तो दैट मीन्स कि अगर नंबर ऑफ पोल्स 200 होंगे तो स्टेप एंगल इसका 1.8 डिग्री बनेगा। जो हमारा कंप्यूटर है वो कम्युनिकेट करता है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, तो जब एक पल्स देगा तो वो 1.8 डिग्री रोटेट करेगी। इस तरह से इसके डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। रगडनेस है, सिंप्लिसिटी इन कंस्ट्रक्शन, हाई रिलायबिलिटी, नो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट द ओनली डिसएडवांटेज इज इट हैज़ वेरी लो टॉर्क। देर आर सम मोर एडवांटेज, इट इज़ डायरेक्टली कंपेटिबल विद डिजिटल मेथड्स, इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट पोजिशनिंग विद नॉन कम्युलेटिव एरर, कोई ऐसे एरर्स हैं जो ऐड नहीं होते हैं तो वहाँ पे ये एक्यूरेट पोजिशनिंग देता है। जहाँ पे कम्युलेट होते हैं वहाँ पे हमें फीडबैक लेनी पड़ती है। तो दूसरे पॉइंट में आपको ये बताया जा रहा है कि दिस इज गुड फॉर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिंपल एंड इट प्रोवाइड्स बाई डायरेक्शनल रोटेशन, इधर भी मूव कर सकती है इन स्टेप्स और दूसरी साइड में भी रोटेशन दे सकती है कंट्रोल। यहाँ पे देखिए कि ये MCU जो है पल्सेस दे रहा है, पल्सेस आगे स्टेपर मोटर के पास जा रही है जिससे कि बॉल बीयरिंग लग रही है और उससे टेबल की आगे पीछे मूवमेंट हो रही है। देन देर आर लीनियर मूवमेंट, दीज आर नॉट वेरी मच पॉपुलर, क्योंकि ज़्यादातर हमारे को जो सस्ती मिलती हैं दे आर द रोटरी मोटर्स ओनली। लीनियर मोटर्स जो होती हैं दे आर प्रोड्यूसिंग पार्ट विद हायर एक्यूरेसी, बट दीज आर वेरी कॉस्टली एंड नो मैकेनिकल पार्ट्स दे हैव इन कॉन्टैक्ट, सो इसकी मेंटेनेंस भी इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है। सो वी हैव डिस्कस्ड कि पहले आपके पास MCU से सिग्नल आया विच इज गिवन टू द एम्पलीफायर सर्किट, देन द मोटर्स, और मोटर्स के बाद एक्चुएशन सिस्टम जो कि एक्चुअल में जाके उसको मूव करेगा टेबल को। दे आर द लीड स्क्रू, आपने देखा होगा अगर लेथ पे आपने काम किया होगा तो लेथ में आपके पास लीड स्क्रू होता है। जब आपने कोई
गियर काटना हो या फिर आपने कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देनी हो जैसे कि थ्रेड कटिंग के लिए, तो वहाँ पे हम लीड स्क्रू से ड्राइव करते हैं। एज ए पावर स्क्रू और ट्रांसमिशन स्क्रू, इट इज ए स्क्रू डिजाइन टू ट्रांसलेट टर्निंग मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड ग्रेटर पावर रिक्वायरमेंट, हाई स्पीड ऑफ मूवमेंट वेयर फ्रिक्शन विल बी वेरी हाई। इट हैज एक्मे थ्रेड विद मेटल नट, इसका एक मेटल नट होता है। आप यहाँ पे साइड में देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये इसका एक नट दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये आपका नट भी है साथ में लगा हुआ। तो ये नट के ऊपर जो होता है हमारा टेबल लगा हुआ होता है जो कि इसको मूवमेंट में देता है। द क्लियरेंस प्रोवाइडेड बिटवीन नट एंड द स्क्रू इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, देयर इज प्रॉब्लम ऑफ बैकलैश। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे इसके नट में और इसमें एक वो दिखाया जा रहा है, गैप दिखाया जा रहा है। ये गैप क्या कर रहा है, ये जब गैप दिखाया जाएगा तो ये गैप बैकलैश को ऐड करता है, लेकिन अगर इसको बिल्कुल ही हम खत्म कर देंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, उससे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू मैकेनिज्म। इसको हम डिटेल में, मैं 2-3 डायग्राम आपको दिखाऊंगा, शायद उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। द रोलर्स इन दिस केस आर नॉट थ्रेडेड एंड आर प्रोवाइडेड विद ए सर्कुलर ग्रूव एंड आर पोजिशन सर्कमफेरेंशियली बाई ए केज। यहाँ पे एक केज बाहर की तरफ लगा दिया जाता है, लेकिन उस केज में क्या होता है, पाइप्स लगी होती है जिसमें से जो बॉल्स होती हैं वो रीसर्कुलेट करती रहती हैं। नाउ हाउ दीज आर रीसर्कुलेटेड वो मैं आगे के डायग्राम में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक हाफ नट होता है, बैक टू बैक हाफ नट दो कनेक्टेड होते हैं। नाउ सी यहाँ पे दिखाया जा रहा है रीसर्कुलेटिंग बॉल मैकेनिज्म। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे मैं इसको हाईलाइटर यूज करता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है बॉल्स आपको दिखाई दे रही है और साथ में एक एंड में क्या है, एक पाइप जा रही है जिसमें कि ये क्या करती है, ये रीसर्कुलेट होती रहती हैं। दैट मींस जो मेल और फीमेल पार्ट के बीच में एक बॉल्स लगी होती हैं, बॉल्स रोटेट करती रहती हैं और जैसे ही वो एंड में पहुंचती हैं तो एंड वाली पाइप क्या करती है, उसको ट्रांसमिट करके रीसर्कुलेट करने के लिए स्टार्टिंग वाली पाइप में पहुंचा देती है। तो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज रीसर्कुलेटिंग बॉल। सी लाइक दिस कि यहाँ पे भी डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ए साइड ये रोटेट कर रही है, बॉल्स रोटेट कर रही है, यहाँ ए पे जब पहुंच गया, एंड में पहुंच गया, तो यहाँ से रोटेट करके ये रिटर्न चैनल में वापस डाल दी जाती है बॉल्स। ये देखिए एक और डायग्राम है जो आप पेपर की तरह से आप उसको तैयार किया जा सकता है, ये इस तरह से रोटेट करें, इसमें देखिए दो नट स्क्वीज किए गए हैं इकट्ठे बैक टू बैक और इस तरह से इसको ट्रांसमिट किया जा रहा है, ये बॉल्स रीसर्कुलेट की है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रीसर्कुलेटिंग, इसमें लॉन्गर लाइफ है, नो बैकलैश, बैकलैश खत्म हो जाता है, नो स्टिक स्लिप मोशन, रिलेटिवली स्मॉल वियर, जो बॉल्स हैं उनकी एक्यूरेसी, दे आर वेरी फाइन फिनिश, so will maintain the accuracy throughout the entire life of screw. The frictional resistance offered is small, hence can be used for heavier load at faster speeds and very small power requirement. इसकी अपनी power requirement बहुत कम होती है। इसके और भी तरीके हैं, इसको आप अपनी क्लासरूम में या अपने वीडियोस देख के चेक कर सकते हैं। Then there are feedback devices. मैंने पहले भी explain किया था, there are two feedbacks which we take in this CNC machines. One is the speed and other is the position. So the most obvious information to be fed back to the control on a CNC machine is the position of the table. और जब position आपने कहा 5 millimeter चलना है और वो 5 millimeter नहीं चला तो एक signal feedback जाएगा, suppose अगर वो कम है तो वो एक और signal generate करेगा, so that जितना difference आया है वो उसको movement के लिए 1 millimeter को और movement करने के लिए आगे दे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं diagram में, यहाँ पे स्पिंडल है, स्लाइड मूवमेंट है, यहाँ स्लाइड मूवमेंट से फीडबैक वापस जा रही है, ये फीडबैक वापस जा रही है जो कि एमसीयू को जा रही है, एमसीयू से ड्राइव मोटर आ रही है, ड्राइव मोटर फिर दोबारा से टेबल को थोड़ा और आगे चलाएगी और जब वो फीडबैक जीरो हो जाएगा देन इट स्टॉप्स। तो ये दो तरह के लीनियर फीडबैक एलिमेंट हो सकते हैं और रोटरी फीडबैक एलिमेंट हो सकती हैं। तो लीनियर फीडबैक में क्या होता है, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ ऑप्टिकल स्केल है, ऑप्टिकल स्केल जो उसकी टेबल के ड्राइव के साइड में ही लगी होती है, तो जैसे ही वो मूवमेंट करेगा तो वो ऑप्टिकल क्या होगा, एक लाइट का सिग्नल रिफ्लेक्ट करेगा
और वो वहां पे सिग्नल जाएगा और बताएगा कि इतने मिलीमीटर वो मूव कर गया और वो मशीन कंट्रोल यूनिट को दे देगा। दूसरा रोटरी में क्या होगा, यहाँ पे टेबल के साथ एक एनकोडर लगा हुआ होगा जो कि पोजिशनल फीडबैक देगा, रोटरी एनकोडर भी मशीन कंट्रोल यूनिट को देगा और उससे हम सर्वो मोटर चलाएंगे। सो नाउ बेस्ड ऑन दिस फीडबैक हम सीएनसी कंट्रोलर्स को भी दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वन इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड अदर इज क्लोज लूप। ओपन लूप ऑपरेट्स विदाउट वेरीफाइंग दैट द एक्चुअल पोजीशन इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड पोजीशन, हमने स्पेसिफाइड पोजीशन की है या पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं वो वेरीफाई नहीं करेगा। ज्यादातर इसमें स्टेपर मोटर ही यूज होती है एंड इट इज नॉर्मली ड्यूटी सिस्टम। और क्लोज लूप जहाँ पे हैवी है वहां पे हम फीडबैक लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि हम इसकी फीडबैक ले रहे हैं, साथ में ये रेड और ब्लू वायर जा रही है, ये फीडबैक ले रही है, दो चीज की फीडबैक ले रही है, हर जगह से फीडबैक जा रही है कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हर एक चीज की फीडबैक दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो ओपन लूप वाले में है, ओपन लूप में सिर्फ एक सिग्नल जा रहा है, कंट्रोल सिग्नल जा रहा है, फीडबैक नहीं आ रहा है। देन देयर इज एक्सिस, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि एक्सिस क्या है, द लीनियर मेजर मूवमेंट अलोंग वन एक्सिस इज नोन एज द एक्सिस ऑफ मशीन। इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से फॉलो करते हैं एंड वी ऑल फॉलो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर द सेक ऑफ सिंपलीफिटी। आपने पढ़े भी होंगे फर्स्ट ईयर में, कार्टेशियन मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तीन हमारे तीन एक्सिस होते हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये तीन तरह के हमारे एक्सिस होते हैं। यहाँ पे हम इसको रूल क्या होते हैं, ये तीन तरह की हमें ज्यादातर एक्सप्लेन की हुई है, तो एक तो हमारी ये स्टार्टिंग की देखिए, ए में हमारी दिखाई हुई है दिस इज द लेथ मशीन, और बी में हमारी ड्रिलिंग मशीन है और सी में हमारी मिलिंग मशीन है, तो इस तरह की, या हम बी को वर्टिकल स्पिंडल मिलिंग मशीन भी कह सकते हैं और हॉरिजॉन्टल स्पिंडल मिलिंग मशीन सी वाली है। तो इनको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वो इनके कुछ रूल्स हैं कि एक्स एक्सिस किसको बनाना है, वाई एक्सिस किसको बनाना है, जेड एक्सिस किसको बनाना है, तो उसके कुछ रूल्स, दिस इज मेड बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल है कि थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, इन तीनों को हम कहें तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। अगर एक जो हमारा एक्स एक्सिस हम डिसाइड करेंगे, एक्स एक्सिस के कुछ रूल हैं हम अभी पढ़ेंगे भी, तो दूसरी वाली वाई एक्सिस होगा और तीसरा जेड एक्सिस। जेड एक्सिस हमने फिंगर पॉइंट करनी है टुवर्ड्स द टूल एंड रिलेटिव मोशन ऑफ टूल एंड द जॉब, कैसे वो हम डिसाइड करते हैं। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इट इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, इट शुड बी हॉरिजॉन्टल। नाउ देयर इज वन पॉइंट, इट शुड बी हॉरिजॉन्टल, कोशिश करनी चाहिए इट इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द वर्क होल्डिंग सरफेस वेयर एवर पॉसिबल। दूसरा इसका रूल है इट इज पैरेलल टू एंड पॉजिटिव अलोंग द प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कटिंग और द गाइडेड पॉइंट टूल। जो इसकी मेन डायरेक्शन है कटिंग की उसके पैरेलल और पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे कि ड्रिल में हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे जब आ रहा है मैंने बता दिया कि दैट इज जेड एक्सिस, अब माइनस और प्लस कैसे होगा वो भी मैं आप डिसाइड करते हैं, तो उसके पैरेलल होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कटिंग और गाइडेड पॉइंट, तो ये पहला पॉइंट हमने बना लिया। वाई एक्सिस का कोई खास रूल नहीं है, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड जेड एक्सिस, लेकिन जेड एक्सिस का एक रूल आता है विच इज द डायरेक्शन इज द टूल मूविंग अवे फ्रॉम द वर्क होल्डिंग सरफेस इज डेजिग्नेटेड एज पॉजिटिव डायरेक्शन। जब भी टूल नजदीक जाएगा तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, और जब वो टूल मूव जा रहा है, दूर जा रहा है वर्क होल्डिंग सरफेस से, दैट इज जेड माइनस डायरेक्शन। ये कुछ उसकी रोटरी मोशंस भी हैं लेकिन ज़्यादातर हम यूज नहीं करेंगे यहाँ के लिए। एक्स एक्सिस पे ए होगा, वाई पे बी होगा और जेड पे सी होगा, या फिर इसको यू वी डब्ल्यू से भी डेजिग्नेट करते हैं कुछ मशीन्स में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लुब्रिकेशन एंड कूलिंग ऑफ मशीन, व्हाई वी आर स्टडिंग लुब्रिकेशन एंड कूलिंग। एज वी ऑल नो कि सीएनसी मशीन 90% ऑफ द टाइम इट इज कटिंग, तो कुछ ऐसा होगा कि इसमें लुब्रिकेशन और कूलिंग जो है वो स्पेशल होनी चाहिए। सेल्फ लुब्रिकेशन के दो तरीके हैं, विक लुब्रिकेशन एंड स्प्लैश लुब्रिकेशन। विक लुब्रिकेशन में क्या होता है, एक छोटी सी कॉटन की रस्सी लगा दी जाती है
उसकी जहाँ पे भी सरफेस में हमारे गर्म होने के चांसेस हैं, तो वो सम्प से ऑयल उठा लेता है और कैपिलरी एक्शन से जैसे कि दिया और बाती में ऊपर की तरफ तेल चला जाता है वैसे उसके ऊपर ड्रिप करता रहता है। स्प्लैश में क्या होता है, कोई भी हुक और बकेट अरेंजमेंट हो जाता है नीचे की तरफ से, जैसे वो मूवमेंट वाला है तो उसके किनारे पे एक बकेट लगा देती है और वो करता है ऊपर की तरफ से पूरे शाफ्ट को वो लुब्रिकेट कर देता है। फिर उसकी कूलिंग के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। कूलिंग में हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिसाइड किया है, थर्मोसिमेट्रिकल डिजाइन, थर्मोसिमेट्रिकल दैट मीन्स कि सिमेट्री से सारे जितना बराबर सभी गर्म होंगे और सभी इकट्ठे ठंडे होंगे। प्रोवाइडिंग लार्ज हीटिंग हीट रिमूविंग सर्फेसिस एक्सीलेंट कूलेंट्स। इसके कूलेंट्स जो हैं वो थोड़े स्पेशल टाइप के होते हैं, वो हम अलग से भी स्टडी कर सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट और इलेक्ट्रिकल मोटर्स ऐसे आसपास नहीं होने चाहिए। एम्बिएंट टेम्परेचर कम किया जाता है एयर कंडीशनिंग यूनिट से, प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए एंड सर्वो मोटर जितनी भी होंगी उसके साथ स्पेशल ब्लोअर या फैन यूनिट अटैच किए जा सकते हैं सो दैट मोटर कूलिंग एट लो स्पीड्स होता रहे। देन लास्ट टॉपिक इज स्वार्फ रिमूवल। नाउ कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो स्वार्फ भी होंगे, चिप्स जो हैं स्वार्फ मीन्स चिप्स वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो स्वार्फ को रिमूवल ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वर्कर आके उसको ब्रश से उसको क्लीन कर रहा है। तो इसके दो तरीके हैं, फर्स्ट इज स्लांटिंग फॉर मशीन बेड। मशीन बेड जो है वो स्लांटिंग की जा सकती है ताकि जब भी उसके ऊपर चिप गिरे कूलेंट से वो वॉश होता हुआ नीचे की तरफ चले जाए, या फिर इसके कुछ हॉलो सेक्शन भी बनाए जा सकते हैं जैसे ये लेफ्ट साइड के उसमें है कि ऊपर से गिरे तो हॉलो सेक्शन में डाल दिया जाए। और हॉलो सेक्शन में गिरेगा तो बाहर कैसे निकलेगा, उसको सक्शन से या चिप कन्वेयर से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो ये डायग्राम्स हैं, इसके आगे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए चिप कन्वेयर मेथड है कि ऊपर से गिरेगा और गिरेगा यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट लगी होगी, मोटर इसको खींचती हुई बाहर एक बिन में डिस्पोजल बिन में स्वार्फ को इकट्ठा करती रहेगी। ये और भी तरीके हैं, यहाँ पे देखिए रिब्स भी लगाई हुई हैं कूलिंग के लिए। ये लेफ्ट साइड की डायग्राम में स्लांट बेड है, स्लांट बेड लगे हुए हैं और रिब्स हैं वो उसको और वहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे और बाहर से उसको वैक्यूम से या कैसे भी उसको कन्वेयर से उसको लिया जा सकता है। दिस इज वन मोर डायग्राम एंड दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक्स, थैंक यू ऑल।